सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आप सबके, आई होप आप बढ़िया ही होंगे। सो जो भी लोग नए हैं ना, पहले भाई वीडियो को कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है आज का। मैं बताऊँ आपको, अब आया कहाँ पर हूँ मैं हूँ करोलबाग, और हम फिर कराएंगे एक बाइक की मॉडिफिकेशन। और कौन सी बाइक की मॉडिफिकेशन है भाई, हर बंदे की वो फेवरेट बाइक ही है, तो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, और क्या क्या लगवाएंगे, कहाँ से लगवाएंगे, हर चीज़ पूरी डिटेल में बताएंगे। सो पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई बाइक है अपने पास मिट्योर 350, बिल्कुल ब्रांड न्यू, थोड़ी बहुत गंदी ज़रूर है, बारिश में चल के आई है अभी एक बारी, काफ़ी सारा काम इसमें आज कराएँगे, मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ। सो दिखाते हैं एक बार आपको सारा कुछ, इसके अंदर क्या क्या लगवाते हैं। बाइक अपनी अंदर आ चुकी है, मैंने बोला भैया अंदर खड़े करके ही इसका सारा काम करो, क्योंकि बाहर थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, और ना इसके ऊपर लैमिनेशन भी कराएंगे, तो बरसात के अंदर नहीं सही, मत इसीलिए अंदर करवा दिया इसको अंदर। अब यहाँ पे सारा काम करवाएंगे इसका। तो यहाँ हो चुका बाइक का काम स्टार्ट, पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगवाना क्या क्या है। हमने इसमें लगवाएंगे पहले हम सम गार्ड, मोबाइल होल्डर सिमटेक का, ये एक्सटेंडर है सीट्स के, मैं दिखाता हूँ आपको किसमें लगेंगे, और ये सिमटेक का 1000 सिस्टम, और देन ये फॉग लैंप्स। अभी और भी काफ़ी सामान है जो अभी निकल रहा है, ये वाले फॉग लैंप लगवाएंगे इसके अंदर। अभी और भी सामान है जो अभी निकाल रहे हैं भैया, देन उसके बाद फिर फिट कराते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिट होगा इसके अंदर सम गार्ड, और मैं बता दूँ सम गार्ड ज़रूरी क्यों है कि भाई जब भी अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या कहीं भी आप बाइक वगैरह चला रहे हो, तो मतलब इससे पत्थर वगैरह नीचे इंजन में नहीं लगते है ना भैया, तो पत्थर वगैरह इंजन में नहीं लगते, जिससे इंजन नीचे की तरफ से सेफ रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है बाइक वगैरह चलाओ ना तो पता लगता नहीं है, नीचे से कुछ पत्थर लग जाए चैम्बर वगैरह पे कई बार लग जाता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये लगवाया हमने। ये जो है पाउडर कोटिंग, जो इसकी क्वालिटी है वो लोहे की है, SS का नहीं लगवाया, लोहे का लगवाया, और पाउडर कोटिंग इसके ऊपर हुई हुई है। अब सीट्स खुल चुकी हैं, सीट नीचे वाला ये मरगार्ड भैया, यहाँ तक करोगे लेमिनेशन, कहाँ तक करोगे, यहाँ तक। सो हाफ लेमिनेशन होगी, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए सारे बंदे हमारी बाइक पे लगे हैं भैया। यस आराम से भैया, हाथ पे ना लगवा लेना, चलने की जगह नहीं होती ना, कोई नहीं, फिर भी आराम से करो, 10 मिनट लेट भेज देना हमें, कोई ऐसी बात नहीं है। सेकंड इसमें लगवाने वाले हैं हम सिमटेक का मोबाइल होल्डर विद चार्जर, और बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है, जो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ, बड़ी फास्ट चार्जिंग करता है ये, और होल्डर हाँ लगा दो बोलो, इवन कि इसके ऊपर मोबाइल लगा के 120-130 की स्पीड पे कंटिन्यूसली क्रूज़ करके भी चेक करा हुआ, कुछ नहीं होता इसको, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आती इसके अंदर। और अगर नीचे वाला होल्डर जो लगा रहता है, आप इसके कपलर को उतारो और ये यहाँ से नट खोल के अपना ऊपर ले जाओ, अगर मतलब कि रखना साइड में कहीं, भाई इस तरफ लगाओ, उस तरफ फिर वो विंडशील्ड लगेगी ना, इस तरफ लगाओ विंडशील्ड लगेगी तो फिर वो अटके ना उसके अंदर। हाँ नीचे इसके कुछ लगाना तो वो लगा दो, गत्ता करो, ऑलरेडी लगा दिया ना मेरा, रबर ही तो लगाया, ठीक है। तो भाई एक सिम लग गया होल्डर सिमटेक का, अभी 1000 भी लगेगा इसके अंदर, 1000 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट दोबारा बताऊँगा 1000 के फंक्शंस, और सम गार्ड लग गया हमारा। सो फिट हो चुका है मोबाइल होल्डर, अब इसके ऊपर मोबाइल लगा के दिखाते हैं आपको। भाई विनीत इधर आ जा भाई, और नीचे करो भैया, पूरा फिट नहीं हो जाए अभी, और खोलो फ़ोन को, उसको होल्डर को, कवर है ना मोटा कवर है, कवर के चक्कर में फ़ोन थोड़ा हो रहा है, हाँ कवर काफ़ी मोटा लगा हुआ है ना इसमें। हाँ ये भी नीचे वाली जल लगा के दिखाओ जरा, पता लगेगा ना किस हिसाब से टाइट हो जाता है इससे फ़ोन, है ना, डबल सेफ्टी है। सो गाइस मैं चीज़ों का ना रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि रेट थोड़े अप डाउन होते रहते हैं, बट मैं इनकी वेबसाइट है, जो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, उस वेबसाइट पर जाके आप हर चीज़ के रेट जो है वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो एक बार कुछ एक तो कुछ ऐसी ही लुक आती है मोबाइल होल्डर की, मोबाइल लगने के बाद सब दूसरी चीज़ फिट कराते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सो भी इसके अंदर लगाएंगे सिमटेक, ये वाला सिमटेक 1000 सिस्टम, और इसके करेंगे कनेक्शन मोबाइल चार्जर के, और आपको पता ही है जैसे मैं ऑलरेडी डोमिनर में भी लगवाया था, बुलेट में भी, कि कपलर टू कपलर फिटिंग आती है इसकी, कहीं से वायर कट नहीं होती। भैया 2 साल की गारंटी आती है इसकी, कितने साल की, 2 साल की, तो 2 साल की गारंटी के साथ आता है,
बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। वैसे ना मेरे कोई भी मेरा फ्रेंड बाइक ले कुछ भी ले, चाहे वो राइड करे ना करे, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि भाई ये जरूर लगवाओ। उसका रीज़न ये है कि इसकी विजिबिलिटी इतनी तगड़ी है ना कि रात में बंदा दूर से पता लग जाता है कि कोई बाइक जा रही है, कोई अपना बंदा जा रहा है। और कोई इससे गारंटी लैप नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। देखो अब बिल्कुल कपलर टू कपलर फिटिंग है इसकी, ना कहीं से वायर कटेगी ना कुछ होगा। और स्विच इसका जो है वो पहले दूसरा आता था, ये वाला नया वाला आया है। और स्विच की सबसे मेन खासियत पता क्या है कि जहाँ से आपने जोन सा फ्लैशर बंद करोगे ना, और वहीं से वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, और दोबारा आपको वो वाला पैटर्न सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपनी बाइक को शैम्पू से नहलाया जा रहा है, बड़ा बड़े प्यार से भैया मालिश कर रहे हैं इसकी। हैं भैया? हाँ। तो यहाँ पर हो चुका है लैमिनेशन का काम स्टार्ट। वैसे मैं सोच रहा था कि लैमिनेशन की एक अलग वीडियो बनाए, बट कोई नहीं, अब साथ बाय साथ काम चल रहा है। तो भैया पहले जो करोगे टूल बॉक्स का कवर है, ये कौन सी लैमिनेशन होती है भैया बताओगे इसके बारे जरा? मैट पेंट वगैरह तो नहीं उतारते नीचे से? नहीं, एक साल चल जाती है, मतलब कि केयर करे तो एक साल की आराम से केयर, मतलब कि एक साल की केयर के साथ आराम से चल जाएगी है। तो भाई ये लैमिनेशन करवा रहे हैं अभी इस पर, फिर टैंक पहले साइड के पैनल्स पे होगी, भैया परगार्ड पे कर रहे हैं पीछे, फिर टैंक पे होगी और फिर लगेगा दूसरा सामान। सो जो लाइट चेक करो एक बारी इसकी रोशनी, ये पहले पार्किंग है लाइट इसकी, ओके लो बीम, एक बार रोशनी चेक करो सामने, भैया थोड़ा इधर हो ना, रोशनी चेक करो एक बारी, अब हाई बीम की रोशनी, हाई बीम चेक करो इसका, हाई बीम ऑन करना है ये लो भी, लो हाई रोड पे और ज़्यादा व्यू देखिए क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। हाँ थोड़ा स्पेस के चक्कर में लाइट नहीं पड़ रही तो आपको बहुत बेटर देखेगा। अब ये भी देखते हैं ये लगवाते हैं नहीं लगवाते। तो अब होंगे फोग लैम्प फिट, एक बार कपलर लगाना ये वाले, हाँ पूरे टाइट हो जाएंगे ना ये वाले, इसकी लाइट के वेट से ऊपर नीचे तो नहीं होगा लूज है? ठीक है, एक बार इसको लगा के ना हैंडल घुमाओ जरा, हैंडल देखो टच ना हो। हाँ ठीक है, तो फोग लैम्प लग के और माइनस वाली जो अभी लाइट दिखाई थी आपको वो भी लाइट फिट कराएंगे इसके अंदर साथ में। तो भाई रोशनी इतनी तेज़ होने वाली है ना कि बस ये लगा लो कि रात को भी आसमान, रात को भी सूरज निकल जाएगा, है ना भैया? भैया ये लगा दो, इसमें भी कोई वायरिंग नहीं कटेगी? कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती, कुछ भी आप इंस्टॉल कराते हो ना, कोई वेल्डिंग होती। ठीक है, कपलर टू कपलर फिटिंग सारी, ठीक है भैया। तो भाई मेन चीज़ यही होती है नई बाइक लेके, कई जगह आप देखो लगा देंगे, चलो यहाँ तो हम सामने बैठे बट भैया के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि अगर बाइक हम छोड़ के भी चले जाते तब भी पूरा काम वही होता जेन्युइन जो हमारे सामने हो रहा है इस टाइम पे। काम आप अच्छा करोगे जब भी तो आपके पास रहेगा। मैं पहले 2 साल पहले भी करा के गया था मिट्टी ओरी, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था। हाँ सो वीडियो बना रहे तो इसलिए मिट्टी ओर की पूरा दिखा रहे हैं आपको, क्या क्या एक्सेसरी है, क्या क्या चीज़, रेट वगैरह जो भी आपके होंगे वो आप वेबसाइट पे कूपन भी चले जाते हैं। हाँ तो डिस्काउंट कूपन भी होते हैं वेबसाइट पे, आप जाके इनकी वहाँ से रेट चेक कर सकते हो और वेबसाइट से ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया वेबसाइट से ही आप, अच्छा कैश ऑन डिलीवरी भी है, गुड। तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी है तो सबसे बढ़िया, आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप ऑर्डर कर सकते हो इसका। से काफ़ी लैमिनेशन हो चुकी है और भाई फिनिशिंग देखो एक बारी, पता भी नहीं लग रहा लैमिनेशन हुई है या नहीं हुई, अभी जब पूरी हो जाएगा ना फिर दिखाऊंगा। और इधर चेक करो बंदा लगा हुआ है, ये भी ये वाला पैटर्न भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा पैनल ना कि लैमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ। सो भाई टैंकी को पूरा नहलाया जा रहा है जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं, ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं भैया क्लिनिक प्लस, भैया रिबॉन्डिंग तो नहीं करोगे इसकी? सो होगी टैंक लैमिनेशन होगी इसकी टैंक की, ये वाला पिछला पैटर्न हो चुका है और वहाँ पर वो लड़का भी कर रहा है। अब सबसे मेन चीज़ जैसे स्क्रैच वगैरह काफ़ी पड़ते हैं ना तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है, पूरा नहला दिया भैया ने शैम्पू से इसको, पूरा केश निखार करेंगे इसका भैया पहले। भैया टैंकी नाराज ना हो रहा है जितने प्यार से आप मालिश कर रहे हो उसकी, काम यही है जब तक इसको धूल मिट्टी हटेगी नहीं जब तक। सही बात है, अब ये चीज़ देखो कितने मतलब कि डेडिकेशन से भैया कर रहे हैं, जब तक पूरी धूल मिट्टी पूरी क्लीनिंग नहीं होगी ना इसकी तब तक लैमिनेशन का मज़ा भी नहीं आएगा और जो उसकी गम है वो भी अपना पूरा वो जो पकड़ कहते हैं उसको वो नहीं करेगी।
इसलिए हमने बाइक अंदर खड़ी करवाई है क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और आ भी रही है थोड़ी बहुत। सो अपनी माइनस वाली लाइट भी आ गई है यहाँ पे, इसका भी आपको फोकस दिखाई था, बाकी एक बार इसका नाइट व्यू भी दिखाएंगे। सबसे 150 वाट वाली है ना जी, 150 वाट की लाइट है भाई, जब बहुत ज़बरदस्त रोशनी इसकी, दिन में अगर रात में सूरज निकल जाएगा इसके साथ तो इतनी रोशनी है। ऊपर से फॉग लैंप भी लगे हैं साथ में, बहुत अल्टीमेट होने वाली है। एक बार फिट हो जाए फिर इसकी रोशनी दिखाते हैं आपको। और ये है इसका रिंग जो लगेगा साथ में, ये भी पूरा पाउडर कोटिंग है। रिंग लगने के बाद कुछ ऐसी लुक आने वाली है, लगा दो थैली। ये वाली जो लाइट है हमारी, ये फिटिंग करा के इसकी ना ऑन ऑफ का स्विच लगता है अलग से, बट हमने इसको एक अलग से टास्क दे दिया। अब देखना है टास्क में सक्सेस हो पाता है या नहीं, कि जो इसके अंदर लाइट है ना, ये वाला स्विच आता है जो कंपनी से, जो इसका ऑन ऑफ वाला हैजर्ड का सिस्टम है, ये स्विच है ये वाला, तो हमने कनेक्शन कराना उसी से ताकि सेपरेट स्विच ना लगे, क्योंकि सिमटेक का लग चुका हैजार्ड सिस्टम, अब वो वाले हैजार्ड जो कंपनी से आता है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो वेस्ट जाएगा। तो हमने कहा स्विच अलग से नहीं लगाना, वही वाला जो स्विच है उसी के अंदर ही कनेक्शन करो। तो अब देखते हैं बंदा सक्सेस हो पाता या नहीं हो पाता। भैया टास्क है तुम्हारा, ठीक है, पूरा करना है, हो जाएगा पूरा। चलो भाई, बंदा पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है पूरा हो जाएगा, देखते हैं अभी। सो भाई बंदा हो चुका थोड़ा परेशान कि क्या काम मेरे को दे दिया, और बंदा भी इतना ज़िद्दी है, कह रहा है मैं करके ही रहूँगा, है ना, करके ही रहेगा। चारा कह रहा चाहे मेरे को रात तक क्यों ना रुकना पड़े, हेडलाइट खोल के बैठना पड़े, पर काम आपका मैं करके ही दूंगा। बट काफ़ी हद तक लड़के ने कर भी दिया है काम, है ना, हो गया। चलो अभी लाइट फिट हो जाए फिर दिखाते हैं लड़का कितना पास हुआ है कितना फेल हुआ है। सो फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद लड़का पास हो गया। भैया एक बार दिखा दो, अब हमने कोई स्विच एक्स्ट्रा नहीं लगाया। मैं बताऊँ, ये वाला स्विच था ना, कौन सा ये वाला आता है, ये पहले कंपनी से आता है हज़ार सिस्टम, और मेरे मुँह पे मत मार जा, कंपनी से आता है हज़ार सिस्टम का, बट हमने इसी के अंदर लाइट ऑन ऑफ का करा है। भैया ऑन करो एक बार, लाइट देखो सामने, इसी से ऑन हो रही है, इसी से लाइट ऑफ हो रही है। एक बार लाइट फिट हो जाए फिर इसका फोकस दिखाता हूँ पूरा आपको। अभी रुक जाओ, अभी करो, स्टार्ट करो, बंद करो, ए अब स्टार्ट करो, हाई पार्किंग, हाँ डीपर मारो, डीपर मारना डीपर, ठीक है, हाँ। सो फाइनली लाइट फ्रंट वाली फिट हो चुकी है, लुक देखो इसकी, और ये 150 वॉट की। भाई एक बार लाइट चला दो और फॉग लैंप भी चला दो, और फॉग लैंप दिखाते हैं भी आपको, लाइट चेक करो पहले। ये लो बीम है हाई बीम है, लो बीम पे लाइट है अभी, हाई बीम करना, हाई बीम होगी, डीपर मारना, डीपर चेक करो इसका, सामने चेक करो डीपर। और ये फॉग लैंप है येलो, भैया वाइट चलाना फॉग लैंप, ये वाइट फॉग लैंप है, और ये नॉर्मल लाइट है जो माइनस वाली लगवाई है, और जो स्टॉक लाइट आती है उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ये वाली, अभी रोशनी है काफ़ी, समझ नहीं आएगा अंधेरे में, एक बार दिखाएंगे। अब जो इसमें लगेगा वो लगेंगे ये वाली पत्तियाँ जिसको एक्सटेंडर बोलते हैं, ये है पिछली बैक रेस्ट, एक्चुअली बैक सीट और बैक रेस्ट के अंदर ना थोड़ा स्पेस कम होता है, तो उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ये पत्ती लग के सीट थोड़ी पीछे चली जाएगी, सीट तो वही रहेगी, कि बैक रेस्ट थोड़ा पीछे चला जाएगा ताकि पीछे वाले बंदे को पिलियन को बैठने में प्रॉब्लम ना हो। एक बार जब फिट हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली में कितना मतलब कि एक्सटेंड हुआ है ये पीछे से। सो एक्सटेंडर लग के बैक रेस्ट हो गया पीछे, ये कितना पीछे हुआ है, पहले ये वाले जो नट थे ना, ये जो अगर आपको दिख रहा हो फोकस, ये वाले जो नट थे ये यहाँ थे इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट 2 या 3 इंच हुआ है पीछे, तीन साढ़े तीन इंच का फ़र्क पड़ गया पीछे हो गया ये। अब ये वाले इधर लगेंगे, ये नट इधर टच करके निशान तो नहीं पड़ेगा। अब लास्ट इसके अंदर जो रह गया वो रह गया फ्रंट की विंडशील्ड, वो फिट हो गया, देन बाइक ओवर। फिर उस पर पूरे आपको बाइक का रिव्यू देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर करवाया, और भाई कॉस्ट के लिए मैं बताऊँगा आपको, कॉस्ट के लिए आप वेबसाइट पे चले जाना, नीचे मेंशन होगी, उसके ऊपर सारे रेट वगैरह लिखे हैं, और भी एसेसरीज़ का मैं एक बार दिखा दूँ आपको दुकान के अंदर कितनी एसेसरीज़ है, इन सब का रेट जो आपको वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। तो सीट हो चुकी है पूरी फिट, अब देखो ये पहले कंपनी से जो आती है बिल्कुल आगे आती है, अब इतना डिस्टेंस जो है 3-4 इंच का इसके अंदर आ चुका है, ताकि पीछे सपोर्ट मिल जाए आराम से पिलियन को, ताकि टाइट ना हो। अब अगर ये ज़्यादा गैप लग रहा है आपको तो सीट एडजस्ट होकर ही आगे हो जाएगी, बैक रेस्ट देखो, बैक रेस्ट आगे हो जाएगा। सो ये हैं सिमटेक के बल्ब जो हैजार्ड के साथ आते हैं, अलग से होते हैं ये वाले बल्ब,
चार्जेस इसके अलग होते हैं, मतलब कि बीच में नहीं होते थे। सो अब इसको फिट कराएंगे इसके अंदर, देन उसके बाद आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, जो एक स्टॉक बल्ब है और जो एक हजार वाला बल्ब है दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है। पहले एक बार एक बल्ब फिट करेंगे, देन उसके बाद मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। अभी वो जो बल्ब है वो स्टॉक वाला बल्ब है, ये स्टॉक है। ये थैली उतार दो इसके ऊपर से। ये जो बल्ब है ये स्टॉक वाला बल्ब है, ये जो बल्ब है स्टॉक बल्ब है, और ये जो सिमटेक का बल्ब है। अब दोनों के डिफरेंस देखो आप, सामने से कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। नाना करते इसकी भी विजिबिलिटी है जो कम से कम 1 किलोमीटर तक की है। और चारों बल्ब यही वाले लगवाएंगे इसके अंदर। लास्ट इसके अंदर लग रहा है वाइज़र, वाइज़र लगवाया ब्लैक। उसके बाद मॉडिफिकेशन पूरी ख़त्म, फिर उसके बाद पूरी कंप्लीट डिटेल आपको देंगे कि क्या क्या इसके अंदर करवाया। इसके नीचे ना कुछ लगा लेना ताकि निशान ना पड़े यहाँ पर, ठीक है, स्क्रैच ना पड़े हैंडल पे। तो ब्लैक वाइजर की लुक देखो एक बारी। सो फाइनली हो चुकी है बाइक अपनी रेडी पूरी, एक ग्राउंड में लेकर आ गए इसको ताकि मैं दिखा दूँ आपको इसमें क्या क्या काम कराया हमने। सो सबसे पहले जो काम है, सबसे मेन स्क्रैच से बचने के लिए इसके अंदर कराई है हमने लैमिनेशन। सेकेंड थिंग इसमें लगवाया वाइज़र, और फिर इसमें इंजन की सेफ्टी के लिए नीचे लगाया ड्रम गार्ड, और इसमें लगे फॉग लैंप। फॉग लैंप जो सबसे मेन है नाइट राइड के लिए, एंड ये माइनस वाली लाइट, इसकी वो भी इसकी लाइट भी पूरी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितनी तेज है। और सिमटेक के ही इसमें हजार सिस्टम और सिमटेक के इसके अंदर बल्ब लगे हैं। देन पूरी बाइक हुई है पीपीएफ नहीं लैमिनेशन, टैंक भी हुआ है, साइड के पैनल भी हुए हैं, और पिलियन के बैठने के लिए पीछे सीट भी, सीट तो वही है हमारी, बट इसके जो ये वाली पत्तियाँ लगी हैं इसके अंदर जिससे थोड़ी बैक रेस्ट है पीछे हो गई है, ताकि अच्छा स्पेस मिल सके बैठने के लिए। और इसके अंदर लगाया है सिमटेक का मोबाइल चार्जर जो फास्ट चार्जिंग वाला है। यही कुछ था बाइक के अंदर जो हमने आज करवाया है, और सो यही कुछ था बाइक के अंदर जो आज हमने कराया। आपने देखा बाइक के अंदर मतलब कि पूरी मॉडिफिकेशन करवाई है। वीडियो को एंड होने से पहले तीन चीज़ें आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।